शुरू करते हैं। मैं उस सफर की तलाश करता हूँ, इस नाचीज को आकाश कहते हैं, केवल मोहब्बत पे बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं 2-3 शेर और कुछ टू लाइनर्स आपके सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर पसंद आए तो तालियों से बंदे का उत्साह बढ़ाइएगा, ना आए तो और तो बजाइएगा। तो सबसे पहले समझ लो, निकाल लो अपने अपने कि पहले और अब दूसरे किरदार हैं हम, कि पहले और अब दूसरे किरदार हैं हम, अपने इस हाल के खुद ही जिम्मेदार हैं हम। कि उसके दिल को हम अपनी जागीर समझ बैठे थे, उसके दिल को हम अपनी जागीर समझ बैठे थे, जब कमबख्त आंखें खुली तो पता चला केवल किराएदार हैं हम। अगला शेर मेरा कुछ इस कदर है कि अगर हमें किसी से सच्ची मोहब्बत होती ना तो उसका वेट करना सबसे कठिन काम होता है। ऐसा लगता है कि अब एक्सेप्ट करे, अब एक्सेप्ट करे, अब एक्सेप्ट करे, वरना फिर वही कि दिन नहीं कटते। तो उसी पर कुछ है कि मौत से मिलने को अक्सर मैं जहर छूता हूँ, मौत से मिलने को अक्सर मैं जहर छूता हूँ, रात भर करके मैं नशा फिर शहर छूता हूँ, रात भर करके मैं नशा फिर शहर छूता हूँ, आएंगे वो एक रोज तेरे खत को लेकर के, आएंगे वो एक रोज तेरे खत को लेकर के, यही सोचकर मैं नदी की लहर छूता हूँ। अगला शेर मेरा कुछ इस कदर है कि एक इंसिडेंट है, हम लोग एक रेस्टोरेंट गए थे, वहाँ पे बैठे हुए थे, एक बंदा ने मतलब फुल अरेंजमेंट करके वो लड़की को प्रपोज कर रहा है वहाँ पर। अगर आपको प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं है तो दैट मीन आप उसको ना बोलो, बस साइड हो जाओ, बट नहीं, वहाँ उसको उसकी औकात दिखाई जा रही है। तो उसी पर है कि मैं अपनी औकात में खुश हूँ, मैं अपनी औकात में खुश हूँ, जैसी भी है जात में खुश हूँ, ना ही किसी से कुछ चाहा है मैं हर हालात में खुश हूँ, ना ही किसी से कुछ चाहा है मैं हर हालात में खुश हूँ, चंद खुशियां रूठ गई तो क्या गम, चंद खुशियां रूठ गई तो क्या गम, कमबख्त मैं गैरों की बारात में खुश हूँ, उन्हें मुबारक उनका सूरज, उन्हें मुबारक उनका सूरज, मैं अपनी काली रात में खुश हूँ। अगला शेर कुछ इस कदर है कि हम लखनऊ की पैदाइश हैं तो जाहिर सी बात है नवाबी तो छलकेगी, तो हम लखनऊ में पैदा हुए तो उस पर नाज है मुझे। तो उसी पर है कि किस्मत पर नाज तो वजा तेरी रहमत, किस्मत पर नाज तो वजा तेरी रहमत, मेरे अपने जो मेरे पास तो वजा तेरी रहमत, मेरे अपने जो मेरे पास तो वजा तेरी रहमत, है खुदा मैं तुझसे मोहब्बत की तलब कैसे ना करूं, है खुदा मैं तुझसे मोहब्बत की तलब कैसे ना करूं, चलती जो मेरी सांस तो वजा तेरी रहमत। अगला शेर है, जरा गौर फरमाइएगा कि हम कितने भी बड़े बन जाएं, कितना भी पैसा हो जाए, कभी अपने आप पे अहंकार नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? अहंकार करोगे तो एक दिन अहंकार टूटेगा जरूर। तो जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, पर दिल के किसी कोने में जीतने की उम्मीद जिंदा रख। अगला शेर उन धोखेबाजों के लिए, अभी तक धोखा खाया नहीं हूं, बट वही है कि दोस्त ने खाया था तो उसी पर लिखा है कि जाए जालिम मैं तुझे माफ करता हूँ, जाए जालिम मैं तुझे माफ करता हूँ, तेरे दिए हर जख्म को साफ करता हूँ, तेरे दिए हर जख्म को साफ करता हूँ, मैं खुदा तो नहीं हूँ, मैं खुदा तो नहीं हूँ, लेकिन आज खुद इंसाफ करता हूँ, मैं खुदा तो नहीं हूँ, लेकिन आज खुद इंसाफ करता हूँ, खुदा तो नहीं हूँ, लेकिन आज खुद इंसाफ करता हूँ, सारी तकलीफों का आज मैं हिसाब करता हूँ, सारी तकलीफों का आज मैं हिसाब करता हूँ। आखिरी लाइन पर जरा गौर फरमाइएगा कि सारी तकलीफों का आज मैं हिसाब करता हूँ, तेरे से जुड़ी हर याद को इस दिल से साफ करता हूँ। अब हार्पिक से धो या डिटर्जेंट से, आपकी मर्जी है। अगला शेर है कि मैं अभी एक साल पहले 12th पास आउट के कॉलेज में गया, इतना सख्त लौंडा था कि कभी सबको मतलब सही कोरोना बैच, इतना सख्त लौंडा था कि जो भी प्यार करता तो उस पर हमेशा सबको सजेशंस देता था, जब खुद को हुआ तो पता चला। तो देखिएगा कि कॉलेज में जाते ही प्यार हुआ, कॉलेज में जाते ही प्यार हुआ, महीनों तक इंतजार हुआ, कॉलेज में जाते ही प्यार हुआ, महीनों तक इंतजार हुआ, महीनों तक इंतजार हुआ,
फिर पहले सेमेस्टर के बाद पता चल रहा उनको कमबख्त किसी और से प्यार हुआ। ना बीबी है। अगला शेयर कुछ इस तरह है कि अगर किसी से प्यार हो जाए तो जाहिर सी बात है उसको बताना कभी नहीं चाहिए, वरना वो वही है कि एटीट्यूड में आ जाते बंदे, तो वही है। तो उस पर देखिएगा जरा कि अगर किसी से प्यार हो जाए तो उससे कहना मत। एक सजेशन है, अगर किसी से प्यार हो जाए तो उससे कहना मत, अगर बेवजह कोई दिल तोड़ जाए तो सहना मत, अगर बेवजह कोई दिल तोड़ जाए तो सहना मत। ये जिंदगी एक बार मिली है मेरे दोस्त, ये जिंदगी एक बार मिली है मेरे दोस्त, जी सकते हो तो जी लो। ये जिंदगी एक बार मिली है मेरे दोस्त, खुल के जी सकते हो तो जी लो, किसी के इंतजार में अकेले जिंदगी भर रहना मत। अगला शेर कुछ इस पर है कि अगर मैं कभी मुश्किलों से डरा नहीं, मैं कभी मुश्किलों से डरा नहीं, दिल खाली खाली सा है अभी तक भरा नहीं, मैं कभी मुश्किलों से डरा नहीं, दिल खाली खाली सा है अभी तक भरा नहीं, वो मेरे जीते जी इश्क फरमा रहे हैं गैरों के साथ, वो जीते जी इश्क फरमा रहे हैं गैरों के साथ, अरे यारो कोई जाकर उनसे बोलो अभी तक मैं मरा नहीं। और मैं लास्ट शेर सुना चाहूंगा, उसके बाद विराम देता हूं अपनी वाणी को, कि बेवफाओं के बाजार में ईमान बिक रहा है, बेवफाओं के बाजार में ईमान बिक रहा है, मेरी पीठ पीछे वो रकीब को खत लिख रहा है। रकीब यानी कि हमारा कॉम्पिटिटर, एक्स नहीं मानेंगे बट हमारा कॉम्पिटिटर ही समझ लीजिए, कॉम्पिटिटर समझ लीजिए, कि मेरी पीठ पीछे वो रकीब को खत लिख रहा है। रकीब समझ ही गए होंगे आप, कि मेरी पीठ पीछे वो रकीब को खत लिख रहा है, वो सोच रही है कि इतना सारा अंधेरा है, वो सोच रही है कि यहाँ सब अंधेरा है और मेरी जहान पूरा अंधेरा है, मेरी जहान में पूरा अंधेरा, उसको ये समझ में आया कि मेरी जहान में पूरा अंधेरा है और आकाश को कुछ ना दिख रहा है। अगला है कि गुमराह ना कर, गुमराह ना कर ये बहाने से तेरे, गुमराह ना कर यूं बहाने से तेरे, गुमराह ना कर यूं बहाने से तेरे, वाकिफ तो खूब हूं निशाने से तेरे, हाय हाय वाह वाह, वाकिफ तो खूब हूं निशाने से तेरे। अगला है कि आजकल की मोहब्बत देखिएगा, कि आजकल की मोहब्बत ऐसे हो गई जैसे किताबें, आजकल मोहब्बत करने वालों के मिजाज बदल रहे हैं, आजकल मोहब्बत करने वालों के मिजाज बदल रहे हैं, मोहब्बत ऐसी हो गई जैसे किताब बदल रहे हैं। तो बस ये मेरा है। बहुत बढ़िया।